पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब तो दिनों दिन भारतीय सेना की तरफ से दिया ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसी हरकतों पर उतरता नजर आ रहा है और वो पड़ोसी मुल्क है चीन। जी हाँ, चीन यानी ड्रैगन भारत को 1962 वाला भारत समझ रहा है। तभी तो उसने हिमाकत दिखाई, लेकिन इस हिमाकत का चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला, जिसकी वजह से चीन अब बेनकाब होता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की हरकतें एक जैसी इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों अपनी दोस्ती को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन चाहे जो हो, भारत के सामने अब इन दोनों दोस्तों की गुस्ताखी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही तरह से चीन को घेर रहा है। लेकिन इसी बीच अफवाहों के बाजार खूब गर्म हैं। आपको बताते चले कि इसी बीच एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और जिसे लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं, और ये वीडियो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सिक्किम में हुई झड़प का बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया आखिर ये वीडियो है कब का। अब ये वीडियो ऐसे समय पर आया है जब दोनों सेनाओं के जवानों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसे गलवान घाटी के रूप में जाना जा रहा है। आपको बता दें कि इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और खबरों के मुताबिक चीन के 40 से ज्यादा जवान भी मारे गए थे। और अब ऐसे वक्त में किसी वीडियो का आना देश में और उबाल ला सकता है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ाई के इस वीडियो को भारतीय सेना ने झूठा बताया है। दरअसल ये पूरा वीडियो 5 मिनट का है, जिसमें भारतीय जवान एक चीनी अधिकारी को मुक्का मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों पक्ष लड़ाई और बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ के सैनिक लड़ाई मत करो, वापस जाओ कहते हुए सुने जा सकते हैं। खैर, वीडियो की सच्चाई क्या है, इसके लिए भारतीय सेना की तरफ से इसे फर्जी वीडियो करार दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।